तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी फुल HD में। ठीक है, कौन से ऐप्स से बनाता हूँ, ट्रेंडिंग में कौन सा थंबनेल चल रहा है, ठीक है, कैसे उसमें फॉन्ट को ऐड करते हैं, कैसे फ़ोटो जो लगाते हैं उसको हम PNG में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारा कुछ प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और इसमें आपको एक एक बारीकी समझ में आ जाएगा। एक बार इस वीडियो का पूरा देख लेंगे कि आपको दूसरे कोई वीडियो थंबनेल को लेके आपको देखना नहीं पड़ेगा। और साथ में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि आप थंबनेल में हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में, बताते हैं सारा प्रोसेस कैसे आप थंबनेल को बना सकते हैं। तो आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमको एक ऐप्स चाहिए जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, पिक्सल लैब। इसको हम आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसको सबसे पहले हम ये डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन पर जाएंगे और हमको यहाँ पे अपना जो यूट्यूब का थंबनेल है वो हमको साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे कलर चूज करना है। ठीक है, तो आप कोई सा भी कलर यहाँ पे ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए अपने हिसाब से आप यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डबल कलर में चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाइए और ग्रेडियंट में आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लीजिए, कोई भी कलर चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद हम यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमको यहाँ पे टेक्स्ट डालना है कुछ भी, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो। यहाँ पे हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमको कुछ भी टाइप कर लेना है जिस हिसाब से आप थंबनेल बना रहे हो। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे किसी ऐप्स के बारे में बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ कैनवा एक ऐसा ऐप, मतलब जिस हिसाब से आपको बनाना हो। हिंदी में टाइप करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे स्पेस वाली बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना हो आप आराम से यहाँ पे कर लीजिए, उसको यहाँ पे इसके साइज को बड़ा करके अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे कलर पे जाना है। इसको हम कलर कोई भी अपने हिसाब से सेलेक्ट करके, आप जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक लिए ले रहा हूँ, अब इसको हम यहाँ पे जाके इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमको बोल्ड करना है इस पर, तो हम सिंपली यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमको एक बोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से हम इस पर बी वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कोई भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा फॉन्ट ऐड करने हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कैनवा में आप फॉन्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी जो अपने फॉन्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, उसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। इतना काम हो गया, अब आपको और कुछ भी लिखना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से PNG हो आपको, आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, उसका कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे PNG लगानी है, कोई भी लोगो लगाना है तो उसको सबसे पहले आप यहाँ पे जाके जिस टॉपिक पे आपका थंबनेल हो सबसे पहले जाके आप गूगल पे उसी का लोगो लगाना है, तो वहाँ पे आप उस लोगो को सर्च कर लीजिए। ठीक है, गूगल पे सिंपली इमेज मिल जाएगी, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कैसे हटाना है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, इतना आप यहाँ पे टाइप करेंगे जैसे ही, तो सबसे पहले जो आपको जो भी मिले रिमूव बैकग्राउंड लिखा हुआ उस पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली अपलोड फ़ोटो पर जाएंगे, ब्राउज पर जाएंगे, जिस फ़ोटो को आपको यहाँ पे PNG बनाना है तो उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, एक सेकंड दो सेकंड वेट करेंगे यहाँ पे और आपका PNG बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद देखिए आपका फ़ोटो यहाँ पे PNG बन के रेडी है। ठीक है, अब हमको ये इसको थंबनेल में ऐड करना है तो हम प्लस वाले आइकन पर जाएंगे, तो हम फ्रॉम गैलरी और ये हमारा PNG यहाँ से जो भी बनाया उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा देंगे। देखिए हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, जो हमारा लोगो है वही केवल बचा हुआ है, कैनवा लिखा हुआ है। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा, जो भी लोगो हो आपका, जो भी लिखा हुआ हो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। इसको आप यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक PNG बनानी है जो हमको ये डिज़ाइन निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ पर जाके इसको हम बना लेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से थोड़ा जूम करके कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको अच्छे से
एडजस्ट कर दिया है। अब हम जाएंगे सबसे पहले अपने ये कलर वाले ऑप्शंस पर जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पर यहाँ पे सिंपली कलर वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इनेबल्ड कर देंगे। यहाँ पे आपको कोई भी कलर सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। जो आप आपको डबल कलर में चाहिए तो आप ग्रेडियंट पे जाके आप जो अपने पहले आपने कलर सेलेक्ट किया था वो भी कलर आप लगा सकते हैं, या फिर कोई सिंगल कलर रखना है वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। तो जो मैंने कलर बनाया था ग्रेडियंट का, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक पे हम ओके कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे एक हमको फ़ोटो का PNG लगाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी एक फ़ोटो चाहिए तो उसके लिए हम गूगल पर जाके यहाँ पे आप जिस आपकी अपनी फ़ोटो लगानी है अपनी लगा लीजिए, आपको किसी और की फ़ोटो चाहिए तो आप यहाँ पे गूगल पर जाके आप वाव रिएक्ट करके यहाँ पे सर्च करेंगे, जिस हिसाब से भी आपका रिएक्ट हो। जैसे मैं हमको ये लोगो लगाना है या PNG लगाना है, कुछ भी लगानी है, फ़ोटो लगानी है तो आपको यहाँ पे फ़ोटो लिख के सर्च कर देना है। ये देखिए बहुत तरह की आपके फ़ोटो मिल जाएंगी, आपको जो भी फ़ोटो पसंद आए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फ़ोटो आपको चाहिए उसको आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है आपको सिंपली रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पर जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला जो भी हमें मिलेगा लिंक उस पर हम क्लिक करेंगे। अपलोड फ़ोटो पर जाएंगे तो यहाँ पे हम ब्राउज में जाएंगे, जो भी हमको फ़ोटो का PNG बनाना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सिंपली एक दो सेकंड वेट करेंगे और हमारा फ़ोटो का PNG यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा PNG बन चुका है, सिंपली इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसका हम यूज़ करेंगे अपने थंबनेल में, ठीक है। अब यहाँ से हमारी फ़ोटो बनके रेडी हो गई है, PNG बनके रेडी। हमको दूसरी फ़ोटो का भी PNG बनाना है तो उसको भी हम यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लेंगे। जिसका भी बनाना है आपको उसको भी सिंपली रिमूव बैकग्राउंड पर जाके सेलेक्ट कर देंगे और एक दो सेकंड वेट करेंगे और यहाँ से हम उसको PNG को डाउनलोड कर लेंगे। तो किसी फ़ोटो का आपको PNG बनाना हो यहाँ पे जाके आप आसानी से बना सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं उसका। अब इसको हम अपने थंबनेल में यूज करेंगे, ठीक है। तो हमको ये लोगो चाहिए या फ़ोटो चाहिए उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे अच्छे से आप इसको एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे इसका साइज थोड़ा छोटा करके यहाँ पे अच्छे से आप एडजस्ट कर लीजिए। तो इसको हमने यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब आपको दूसरी फ़ोटो लगाना है तो उसके लिए भी आप गैलरी में जाके जो भी आपने PNG बनाई है उसको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पे इनको एडजस्ट कर लीजिए। आपको कोई भी PNG बनाना हो सिंपली आप वहाँ पे अपनी फ़ोटो का बनाना हो या गूगल से डाउनलोड करके बनाना हो आप आसानी से बना सकते हैं। एक सेकेंड बन जाएगा, आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से आपका PNG बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इनको भी यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ये यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब एक दो लोगो और लगा दे रहा हूँ, जैसे मैं YouTube का लोगो लगा दे रहा हूँ जो हमारा थंबनेल जिससे देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। तो इनको भी हमने यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा थंबनेल बन के रेडी हो गया है। तो इस हिसाब से आप आसानी से बना सकते हैं और यहाँ पे हम क्वालिटी पे जाके अल्ट्रा को सेलेक्ट करके सिंपली सेव टू गैलरी पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमारा थंबनेल बनके रेडी हो चुका है, देखिए फुल HD में बना हुआ है, कितना भी जूम करके देखिए फटेगा नहीं। तो थंबनेल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा भी बनाएं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय।